जनपद हमीरपुर के राठ में भारत गैस एजेंसी के सामने खड़ी बस में गाड़ी स्टार्ट करते समय चिंगारी छूटने से लगी आग। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और धू धू कर जलने लगी। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानें भी खाक कर दी। गाड़ी नंबर MP07P2555 अजीत सिंह भदौरिया की बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए नगरपालिका राठ में सूचना दी गई। नगरपालिका के कर्मियों ने पानी के टैंकर से आग पर पाया काबू। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बस और दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगी था? किस वजह से आग लगी? इसकी चिंगारी छूटी है बस की, उससे आग पकड़ी है और बस सब तारी जो है जगह फैल गई है। तो आपकी दुकान में किस वजह से? बस की वजह से आग लगी? बस की वजह से फैली साहब, हवा चल रही थी तो सीधे जो है इसमें आग लगी। आपका करीब कितना नुकसान हो गया? हमारे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान है। मामला जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ी का है, जहां पर एक महिला के साथ सैफई में तैनात डॉक्टर मुकेश राजपूत ने शादी का झांसा देकर लगातार 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब बात शादी की आई तो शादी से मुकर गया। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी और उसके पिता ने उसे शादी का आश्वासन देकर अपनी बातों में उलझा रखा। इसी बीच 25 लाख की दहेज में मिलने वाली रकम को लेकर शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 1 माह से पुलिस कप्तान से लेकर कोतवाली के बराबर चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक न कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई मुकदमा लिखा गया है। मुकेश राजपूत नाम का लड़का है, 4 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा, शादी करने का झांसा देता रहा कि शादी करूंगा और उसकी बिलगाए उसका रिश्ता हो गया संबंध और वहाँ 25 लाख मिल रहे हैं तो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है और वो मुझसे कह रहा था मैं तुमसे शादी करूंगा, अब नहीं शादी कर रहा है और बताइए। और वो मुझसे कह रहा और उसके पिताजी घर पे भी आए थे, कह रहे थे शादी करेंगे और फिर अपनी शादी से बात से मुकर गए हैं। यहाँ थाने में हमने अगले महीने 16 तारीख को एप्लीकेशन दिया था और यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। या हमीरपुर गए थे SP साहब के यहाँ से और ऑनलाइन भी किया था हमने, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जलालपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले पुरैनी गांव में एक 45 वर्षीय युवक ने गले में रस्सी का फंदा डालकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक दयाराम शुक्ला पुत्र प्रताप कर्ज के कारण परेशान था, जबकि गांव वालों का कहना है कि वह एक ईमानदार किसान था और कर्ज से परेशान था। मृतक के 2 भाई राजेंद्र कुमार रंजीत कांत हैं। एक ओर जहां खुशी का माहौल बना हुआ था, वहां गम में तब्दील हो गया। क्या हो गया है आज जी? कर्ज के पीछे आत्महत्या कर दी भाई। क्या नाम था इनका? कहाँ के निवासी हैं जी? ग्राम पुरैनी के। क्या कर्जा गांव का था कि कोई बीमा वीमा किसान सरकारी, कैसा कर्जा था? बीमा भी था, बीमा का भी पैसा नहीं मिला और गांव का भी कर्जा था। नेशनल हाईवे 34 में हादसों का दौर जारी। अनियंत्रित ट्रक हाईवे के किनारे बने मकान में घुसा। हादसे में 1 बच्चे सहित 7 लोग घायल, सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत नाजुक, कानपुर रेफर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। मामला थाना सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया का। नेशनल हाईवे 34 में हादसों का दौर जारी। अनियंत्रित ट्रक हाईवे के किनारे बने मकान में घुसा। हादसे में 1 बच्चे सहित 7 लोग घायल, सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत नाजुक, कानपुर रेफर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। मामला थाना सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया का। मामला हम लोग 5-6 लोग थे वहाँ पे, वो घटना हुई है, सब लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद में एक एम्बुलेंस हम लोग उठ करके यहाँ लेने आए। ट्रक मौके पर है, अभी खड़ा है ट्रक वाला। ड्राइवर जो थे, कंडक्टर थे, वो भाग चुके हैं। ऐसा संज्ञान में आया है कि भरुआ फैक्ट्री एरिया के पास एक असंतुलित होकर ट्रक जो है वो घर में घुस गया, जिससे जो है 4 पुरुष और 3 बच्चे 7 लोग घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में लाए गए। जो है सबका इलाज जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में चल रहा है और जो लोग अत्यंत गंभीर होंगे उनको कानपुर महोबा तरफ से चल जा रहा था और 2-4 लोग जो रास्ते में जा रहे थे खाना खाने, उनके ऊपर एक ट्रक चढ़ा। जब ट्रक चढ़ गया तो इसके बाद वो पलट के एक घर पे घुस गया जाके, इसमें कि 7-8 लोग घायल हो गए
अभी उनको सभी घायलों को समय पर में दिखाया गया, जो रिफर हुए हैं वो जिला अस्पताल ला गए। अब जिला अस्पताल में जो भी रिफर होंगे वो कानपुर में दिए जाएंगे। अभी तक जो यहाँ लाए गए हैं वो हमारी तबीयत तो सही है, पर जो रिफर करेंगे वो कानपुर।